गाड़ी पे हो रहा है एक फ्री अपग्रेडेशन फ्रॉम टाटा, तो क्या है क्या नहीं वो तो हम लोग जाके बताते हैं आपको। थम्स अप टू टाटा की वो लोग इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि पुराने कस्टमर्स को बुला के पहली बारी आई एम इनसाइड द पेंट बूथ। भाई क्या कलर है भाई इसका, देखो पूरा दिखाई दे रहा है मेरे को। तो ये हो गया हमारा सनरूफ भाई, हैरियर का सनरूफ। द मेजर फीचर जो हम लोग हमारे गाड़ी में मिस करते हैं ये है, ये जो कोशिशें तोरे सारे बंदिशें छूटे ना साथ तेरा। तो हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज केतन और आप देख रहे हैं केपी व्लॉग सिलचर। फिलहाल तो गाइस हम लोग ब्रिज के ऊपर से व्लॉग शुरू कर रहे हैं। ये रहा हमारा सदरघाट का ब्रिज एंड वी आर गोइंग रॉन्ग एक्चुअली, क्योंकि हमारा जो सामने वाला जो ब्रिज है जो ब्रिटिश ने बनाया था वो है अंडर कंस्ट्रक्शन, तो इसलिए हम लोग ये गलत वाला ब्रिज से जा रहे हैं। एक्चुअली ये आज के लिए सही है। एंड वैसे गाइस मैं बता दूं कि ये हाफलोंग से आने का बाद पहला व्लॉग हो रहा है हमारे सिलचर में, तो हाफलोंग का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताना। हम लोग गाड़ी लेके कहाँ जा रहे हैं गाइस, गाड़ी लेके जा रहे हैं गाड़ी का सर्विस स्टेशन। सिलचर में टाटा का सर्विस स्टेशन जो है वो नया खुला है रोंगपुर पे, उसी पे जा रहे हैं एंड गाड़ी पे हो रहा है एक फ्री अपग्रेडेशन फ्रॉम टाटा, तो क्या है क्या नहीं वो तो हम लोग जाके बताते हैं आपको। तो अभी गाइस फटाफट से चलते शोरूम तक और शोरूम का सीन्स भी आपको दिखाएंगे। लेट्स गो लेडीज एंड जेंटलमैन। जो है तेरा मेरा सरा जागे हुए एक उमंग सा तू है मेरा। तो गाइस यहाँ पे फाइनली हम लोग आ चुके हैं टाटा के सर्विस स्टेशन। कहाँ से कहाँ जाना है वो मुझे मालूम नहीं है, एक बार मैं यहाँ पे पूछ लूँ। अच्छा ठीक है, ओके। तो गाइस अभी भी हम लोगों ने फोन किया अंदर एंड सर्विस स्टेशन से उन लोगों ने बोला कि आप अंदर आ जाइए, फिर अंदर जाके हम लोग बातचीत करते क्या अपग्रेडेशन है क्या नहीं। मेरे को भी एग्जैक्टली मालूम नहीं है क्या होने वाला है। एंड गाइस यहाँ पे मैं आपको मिला देता हूँ हमारे भैया से, हम लोग गए थे हाफलोंग एक साथ, हाफलोंग का बाद वाला व्लॉग में भी हम लोग एक साथ ही है चल रहा है एक साथ चल रहे हैं एंड हाफलोंग में जाके हम लोगों का दोस्ती हुआ है अच्छा सा। एंड अभी चलते हैं हम लोग शोरूम पे, लेट्स गो गाइस न्यू वाला शोरूम। ये जो कोशिशें तोरे सारे बंदिशें छूटे ना साथ तेरा। यार डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है एंड अभी गाड़ी को हम लोग अंदर घुसाने वाले हैं, तो अंदर घुसाते फिर हम आपको दिखा दें क्या क्या चेंज हो रहा है क्या नहीं। तो लेट्स डू इट गाइस। वही यहाँ पे हम लोग सर्विस स्टेशन के अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे गाड़ी हम लोगों का ऊपर चढ़ चुका है एंड फ्री का जो अपग्रेडेशन है वो ये है कि इसका अंदर में दो बोल्ट है जो चेंज होने वाला है एंड वो बोल्ट जो मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट हुआ था छोटा छोटा दे दिया था, तो उसे चेंज करके अभी बड़ा बड़ा लगाया जाने वाला है। थम्स अप टू टाटा की वो लोग इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं कि पुराने कस्टमर्स को बुला के छोटा वाला बोल्ट को रिप्लेस करवा के बड़ा वाला बोल्ट लगा के दे रहे हैं। काम होते हुए देखते हैं गाइस। कुंडा नतुन कुंडा पुराना एटा नतुन। तो गाइज ये दो बोल्ट जो है चेंज किया जा रहा है, ये पुराना वाला ये थोड़ा छोटा है, ये बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला अभी यहाँ पे इंस्टॉल किया जाने वाला है। ठीक है कीजिए लगाए तो। आगे तो हमारा नट बोल्ट फिट हो ही रहा है, यहाँ पे आप गाड़ी का नीचे का पोर्शन देख सकते हो, यहाँ पे ये स्पेयर व्हील जो आज तक हम लोगों ने यूज नहीं किया है भाई, ये खोलना जो हेडेक है ना, तो ये जहाँ जैसा था वैसे, ये जब भी पंचर होता है हम लोग चला चला के लेके जाते हैं। फिर एग्जॉस्ट पाइप में एग्जॉस्ट पाइप ये रहा, ये यहाँ पे जाके यहाँ से एग्जॉस्ट पाइप गया है पूरा। तो भाई ये हम लोग पेंट बूथ पे जा रहे हैं अंदर, पहली बारी आई एम इनसाइड द पेंट बूथ एंड यहाँ पे हमारे साथ भैया जी, आपका नाम क्या है? अफसान। तो अफसान भैया हम लोगों को अंदर आने का एक मौका दिया, बढ़िया लगा। यहाँ पे पेंट हो रहा है ना, ये पूरा पैनल पेंट होने वाला है गैस, तो वही बात है। फर्स्ट टाइम गाइस मैं ऐसा पेंट बूथ के अंदर आया हूँ एंड आज लाइव हम लोग काम होते हुए देखेंगे अंदर से
कैसा होता है क्या नहीं देखते चलो कत समय लगा वीडियो पूरा शेष करते आधा घंटा हुई जी वो यहाँ पे हम लोग आए थे इस गाड़ी का पेंट जॉब देखने के लिए पर यहाँ पे जो इस गाड़ी का पेंट है वो कल किया जाएगा आज कुछ और सोल्यूशन यहाँ पे लगाया जा रहा है तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा है कैसा क्या होता है क्या नहीं एंड अभी हम लोग चलते हैं हमारे गाड़ी का सामने हमारे गाड़ी का काम भी देखना जरूरी है तो चलते हैं गाइस तो भाई हमारा गाड़ी का काम हो गया है ख़त्म एंड अभी ये उतर रहा है फ्लाइट अभी लैंड कर रहा है क्या बोलते हो भैया जी ये सीन बहुत रेयरली देखने को मिलता है कि गाड़ी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है तो आज हमें दिखने को मिल गया तो हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं भाई मज़ा आ गया भाई इसे देख के मज़ा आ गया सस्पेंशन देखो डन गाड़ी रेडी फाइनली गाड़ी रेडी तो भाई गाड़ी का यहाँ पे सारा काम हो गया कंप्लीट अभी गाड़ी हमारा जा रहा है बाहर मेन गेट पर फिर एक बार मेन गेट के सामने पार्क करते हैं फिर हम जाएंगे शोरूम के अंदर शोरूम के अंदर भी हम लोग कभी गए नहीं तो शोरूम के अंदर जाके देखेंगे आए तो उस बहाने में एक देख ही लेंगे वही बात है तो गाड़ी के साथ साथ हम लोग भी निकलते हैं शोरूम जो वो सामने है तो चलते हैं गाइस तो गाइस नाउ इट्स टाइम टू गो इनसाइड द शोरूम टाटा का शोरूम से हम लोगों ने ऑलरेडी दो गाड़ी का डिलीवरी लिया है एक गाड़ी का तो ब्लॉग बनाया एक गाड़ी का ब्लॉग नहीं है एंड इस शोरूम पे फर्स्ट टाइम जाने वाले हैं हमारे साथ भैया आपका नाम क्या है परवेश भैया हेलो तो परवेश भैया हम लोग गाइड करने वाले हैं अंदर में क्या क्या गाड़ी है क्या नहीं है लेट्स गो गाइस यहाँ पे ये टाटा नेक्सोन हो गया एक नेक्सोन है यहाँ पे फिर ये यहाँ पे टियागो का टॉप मॉडल हो गया यहाँ पे हेरियर ब्लैक डार्क एडिशन है ये एक्चुअली एंड दिस हेरियर इज लव गाइस लव क्या सही लगता है यार ब्लैक कलर में एंड ब्लैक कलर को मेंटेन करना भी एक अलग बात होता है फिर यहाँ पे एक और टियागो फिर ये पंच फिर एक और टियागो गाइस आफ्टर एजेस गाइस हम हैचबैक गाड़ी पे बैठे हैं भाई पहले तो वैगनर था वो तो बेच दिया उसके बाद आज इतने दिनों बाद भाई हैचबैक पे बैठे मजा आ गया भाई थोड़ा डाउन टू अर्थ लग रहा है इस गाड़ी को डाउन टू अर्थ इसका हेरियर का वो देखो विंडो देखो कहाँ से शुरू हुआ इसका विंडो का हाफ से हेरियर का विंडो शुरू हुआ है भाई वही डिफरेंस है मज़ा आया भाई इस गाड़ी में भी ये टॉप मॉडल है भाई दिस इज द टॉप मॉडल ऑफ टियागो अभी हम लोग हेरियर के अंदर जाएंगे उसका थोड़ा बहुत मुझे देखना है क्या क्या डिफरेंस है क्या नहीं है क्योंकि हमारे एरिया में बहुत फीचर्स मिसिंग है क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन वाला हेरियर है यहाँ पे ये लेटेस्ट जनरेशन वाला हेरियर है तो इसमें चलते हैं गाइस हम लोग भाई क्या कलर है भाई इसका देखो पूरा दिखाई दे रहा है मेरे को तो अभी हम लोग इस पे चलते हैं सेम ही इसमें रिक्वेस्ट सेंसर यहाँ पे है फर्स्ट थिंग जो नोटिस पे आ रहा है ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल है ये वाला सीट फिर यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन ये तो एज इट इज हो गया तो यहाँ पे भाई ये इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया हमारे गाड़ी का भी सेम है मतलब इंफोटेनमेंट सिस्टम में कोई अपग्रेडेशन नहीं हुआ स्क्रीन भी ये वाला स्क्रीन भी सेम है एंड यहाँ पे हमें सनरूफ मिल जाता है भाई सनरूफ को खोलते हैं यहाँ से अरे हाय तो ये हो गया हमारा सनरूफ भाई हेरियर का सनरूफ द मेजर फीचर जो हम लोग हमारे गाड़ी में मिस करते हैं ये है फिर इसमें आपका ऑटो डिमिंग का भी फीचर आ गया है मतलब पीछे से अगर रोशनी आके गिरा तो वो आपके आंखों तक नहीं पहुंचने वाला है ये काफी सही फीचर है यहाँ का एंड ये गाइस ये है इसका हैंड ब्रेक पहले तो हम लोग ऐसे खींचना पड़ता था यहाँ पे ये ऑटोमेटिक वाला आ गया है इसमें वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन है यहाँ पे मोबाइल रखा चार्ज होना शुरू हो गया भाई वायरलेस चार्जिंग नया हेरियर पे भाई बहुत कुछ ऐड किया है भाई बहुत कुछ सबसे बढ़िया तो ये है भाई सबसे बढ़िया चीज काफी सही अभी निकलते हैं गाइस यहां से तो फाइनली गाइस हम लोग शोरूम से निकल गए हैं एंड भैया कैसा लगा शोरूम अच्छा लगा बहुत फीचर में ऐसे शोरूम होना चाहिए और ऐसे सर्विसिंग देना चाहिए आज जो एक्सपीरियंस मिला ना हम लोगों को काफी सही था एंड नट और बोल्ट का जो सामने काम होना उससे मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ भाई ऐसा काम और कोई कंपनी करने ही वाला नहीं है इंडिया में ओनली एंड ओनली टाटा भाई टाटा ऐसा नहीं कि मेरे पास टाटा का गाड़ी है इसलिए मैं टाटा का ही वो कर रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है बट जो बिहेवियर उन लोगों ने दिया और जैसा उन लोगों ने गाइड किया सर्विस जो मिला ना यहाँ पे काफी सही था वही बात है अभी हम लोग जाएंगे थोड़ा हाईवे के और चाय पी के आएंगे लेट्स गो भैया चले लेट्स गो तो गाइज मैं फिलहाल आ गया हूँ घर एंड विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ दिस छोटा मोटा सा व्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद है अगर पसंद है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें बिना कहीं मत जाना मिलते हैं अगले व्लॉग में दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केपी व्लॉग ना हो ना कभी
भी जुदा, ये जो कोशिशें तोरे सारे बंदिशें छूटे।